YouTube channel Studyship with Krati. In this video lesson, we are going to continue our chapter 5 of political science of class 11 in CRT. Our chapter 5 name is Legislature. Let's continue the remaining topics. Our next topic is how does the parliament control the executive? किस तरीके से जो पार्लियामेंट है यानी जो संसद है वो एग्जीक्यूटिव को मींस कार्यपालिका को कंट्रोल करती है. संसद कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को यानी संसद जो है पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूट कंट्रोल करती है किसको करती है एग्जीक्यूटिव को यानी कार्यपालिका को. किस तरीके से करती है जैसे कि इसमें क्या है कि ये दोनों को कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. लेजिस्लेचर जो है वो रूल्स बनाते हैं रेगुलेशंस बना एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं यानी इसको प्रोसेस में लाते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं. एक कर्ज का एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो ये ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट ये इंश्योर करती है कि सभी को इक्वल चांस दिया जाए अपने बात को रखने का. अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको वो टीचर ज़्यादा पसंद होगा आपके एक स्कूल में वो टीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा जो आपको मौका दे अपनी बात को रखने का वेदर आप कुछ भी गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो बट एटलीस्ट चांस दे. किसी टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको पता है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या है एकदम राइट आंसर ही चाहिए तो आप डरोगे जो आपके पास आंसर है क्यों डरोगे आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आंसर जो है वो गलत हो. तो पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को. किस तरीके से वो ये देखती है कि हर व्यक्ति कोई भी पर्सन हो वो अगर बात करे वो अपने जो है व्यूज रखे किसी भी इश्यूज पे वो बिल्कुल निडर होके रखे बिल्कुल उसमें फियर नहीं हो. आप गलत बोल रहे सही बोल रहे बस आपको बोलने का चांस दिया जाएगा क्योंकि हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ चुके हैं कोई भी गलत चीज भी हो फिर भी हमें ट्रुथ का एलिमेंट मिल ही जाता है. तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को वो चांस देती है अपनी बात रखने का. ना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल किस तरीके से पार्लियामेंट्री जो संसदीय जो है कंट्रोल किया जाता है. ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन. पार्लियामेंट में डेलिब्रेशन होता है और डिस्कशन होता है मतलब हर चीज़ों पे हर मुद्दे पे बहुत ही लंबी बात होती है. कोई भी बिल रूल बनने से पहले कोई भी बिल लॉ बनने से पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सभी ने हाँ कर दिया कि ये सही है ये सही है. बहुत सारे हैं जो अपोज करते हैं जो अपोजिट पार्टीज रहती है वो तो हमेशा जो केंद्र में रहेगी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसको तो अपोज करेंगे जो है लोकसभा में सरकार उसको अपोज करेंगे. तो ये क्या बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है. इसका टाइम पीरियड भी डिवाइडेड है जैसे कि 1 आवर है क्वेश्चन आंसर सेशन है मतलब उसमें केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे एक ने बिल पास किया आप सामने वाला उससे पूछेगा कि क्या प्रॉफिट्स है इससे ऐसा क्या होगा तो क्या जिसने प्रपोज किया है बिल उसका काम है आंसर देना और क्वेश्चंस क्या है क्वेश्चन पूछा उसका काम है बाकी लोगों का. तो 1 आवर इसी के लिए होता है इसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चन के साथ साथ आधा घंटा ये होता है हाफ एन आवर इसलिए भी होता है कि उसमें डिस्कस किए जाते हैं बाकी इश्यूज पब्लिक रिलेटेड इश्यूज जैसे कि बाकी सारे इश्यूज हुए कि क्या चल रहा है करंट में और क्या क्या प्रिकॉशंस जरूरी है हमें क्या क्या करना चाहिए. तो ये सारे क्या डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन के अंदर लाई करते हैं ये सारे पॉइंट्स जो है. जो 1 आवर जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है ज्यादातर उसमें सभी प्रेजेंट रहते सभी प्रेजेंट मतलब जितने भी मेंबर्स हैं क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछने में तो मजा ही आता ही है. इससे क्या है सामने वाले को चेक करने का चांस मिलता है. तो क्वेश्चन आंसर सेशन ये इसमें आप कह सकते हैं नाम से ही आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन. नेक्स्ट इज अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉस. पार्लियामेंट का काम क्या है अप्रूव करती है वो लॉस और उसको रिफ्यूज करती है मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनका काम है वो लॉज बनाते हैं और बाकी जो मेंबर्स हैं जैसे कि हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की अगर लोकसभा ने कोई चीज़ अप्रूव कर दी राज्यसभा ने जो है रिफ्यूज़ कर दी तो क्या है पार्लियामेंट्री कंट्रोल है. पार्लियामेंट के अंदर ये फंक्शंस लाई करते हैं कि ये अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज ये काम है उनका. ये कोई कोई लॉज जो है अप्रूव हो जाता है एक बार में कोई कोई रिफ्यूज हो जाता है. फाइनेंशियल कंट्रोल. फाइनेंशियल कंट्रोल से हमारा मतलब है कोई भी बजट पेश हुआ
साल में आप देखते होंगे टीवीज़ में दिखाते हैं कि जब भी है नई सरकार आई, हर साल नया बजट बनता है कि इतना बजट है, इससे सारा काम होगा। तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी है, वो ये देखती है कि कितना पैसा जो है कहाँ पे लगेगा, कितना कहाँ पे खर्च होगा, तो उसको ये फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर लाया करता है। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह सकते हैं आप, ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब एक किसी पार्टी का कोई मेंबर है वो खड़ा हुआ उस पार्टी से और जीत गया। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो एग्जांपल लेते हैं हम हमारे करंट गवर्नमेंट का, पीएम मोदी हैं, उन्होंने किसके टिकट से जीते थे, मतलब कौन सी पार्टी से, बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन के लिए इलेक्ट हुए थे वो। अगर उन्होंने वो जीत गए, उन्होंने बाद में जो है अपनी पार्टी चेंज कर ले, किसी और पार्टी में चले जाए, बीजेपी की जगह वो कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस की जगह किसी और पार्टी में चले जाए, दैट मीन्स एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब किसी और पार्टी से चले जाना, तो उसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस लॉ मोशन। ये पहले कई बार होता था क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट जो बनती थी उसमें हमेशा ऐसा होता था। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार, कई सारी पार्टी जो इकट्ठी बनी, फिर एक जो लीडर चुना गया उसने जो है बाकी अपनी पार्टी छोड़ दी, दूसरे में चला गया। तो ये इंश्योर करती है, रूल बनाया गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी में रहेगा। तो ये हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, किस तरीके से जो कमिटीज है पार्लियामेंट की वो काम करती हैं। पार्लियामेंट की कमेटीज जो हैं यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वे एक ऑर्डर में काम करते हैं, रूल्स बनाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स का बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ये दोनों हम साथ में पढ़ते हैं ये सारे टॉपिक। ये है हमारा नेक्स्ट वन और द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करती है, कि वो किस तरीके से इंश्योर करती है कि वो कहीं पे भी जो है गलत ना हो। तो पार्लियामेंट जो है रेगुलर सेशन होते रहते हैं, उसके बराबर जो है मीटिंग्स होती रहती है, इस तरीके से जो है अपने आप को वो रेगुलेट करती है। ये सारे पॉइंट्स भी हमने देखे इसमें। और हाउ डू द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, किस तरीके से जो कमेटीज हैं, कमेटी जैसे कि हमने बताई थी हर एरिया की कमेटीज होती है, मिनिस्ट्री डिवाइड कर दी गई हैं, क्या जो वुमेन एंड चाइल्ड केयर के लिए अलग है, ये डॉक्टर से रिलेटेड हो गया, मतलब ये मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड ये फील्ड्स अलग हो गई, टेक्नोलॉजी के लिए अलग हो, जैसे कि HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर्स अलग हो गए, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन सभी को एक एक मिनिस्ट्री दे दी गई, एक एक विभाग दे दिया गया। ये सारे क्या करते हैं, अपनी अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है इनकी कमेटीज पार्लियामेंट में बनी हुई है, और इसी से रिलेटेड जो भी जिस कमेटी से रिलेटेड होगा उसी से रिलेटेड जो है अपना बिल प्रपोज करेगा, फिर बाकी सारी डिस्कशंस होते हैं, फिर वो लॉ बनता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे इस चैप्टर में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ सो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेल मी थ्रू कमेंट बॉक्स दैट इज गिवन बिलो योर स्क्रीन। हिट लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।